आयशा को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही हैं, मैमुना स्टडी कर रही है। अचानक उसे याद आता है, अम्मी मुझे जीन्स टी शर्ट चाहिए। बेटा लड़कियों को जीन्स टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। प्लीज अम्मी दिलवा दीजिए ना, मेरी हर फ्रेंड के पास है, सिर्फ एक मेरे ही पास नहीं है। अरे टीना। हाय मम्मी। क्या लाई है रे तू अपने साथ? देख मम्मी, मेरे डैडी मेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाए। वाओ, सच में? देखो सबके पेरेंट्स अच्छे हैं, सिर्फ एक मेरे ही पेरेंट्स मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करते? आंटी मम्मी को भी ऐसे कपड़े दिलवा दीजिए ना। भाई ये मैमुना कब से मम्मी हो गई? आंटी मैमुना बहुत ओल्ड सा नाम लगता है ना, इसीलिए हमने उसका शॉर्ट एंड स्वीट नेम मम्मी रखा है। क्यों, इतना तो प्यारा नाम है मैमुना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी का नाम था मैमुना। ओ मम्मी आप तो इतने फख्र से बता रही हैं जैसे कोई फेमस हीरोइन का नाम है मैमुना। प्लीज आप भी मुझे मम्मी बुलाइए ना और मुझे जीन्स टी शर्ट दिलवा दीजिए ना। पूछिए टीना से, मेरी सब फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। अब इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? आंटी हमारी स्कूल में एक से बढ़कर एक मॉडल लड़कियां हैं और हमारी टीचर्स भी लेटेस्ट डिजाइन की ड्रेस पहन कर आती हैं। सिर्फ एक मोमी ऐसी है जिसके कपड़े किसी को पसंद नहीं आते और सब इसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या हो रहा है भाई, कौन किसकी हंसी उड़ा रहा है? भाई टीना आपकी मैमुना हंसी का मौजू बन चुकी है, परसों उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसके लिए जीन्स और टी शर्ट ला दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है, अब वो जीन्स और टी शर्ट पहनेगी? पहनना ही पड़ेगा, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा ही लिया है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियों की तरह ही रहना होगा, वरना ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी और लोग तो इसका जीना ही दुश्वार कर देंगे। हाँ तुम्हारी बात भी सही है, अमजद भाई की दुकान खुली होगी, चलो बेटा अभी तुम्हारे लिए कपड़े देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डैडी। अभी क्या बिटिया को भी लड़का बना देगा? अंगार लगे ऐसी स्कूलों पर, बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, दीन से दूर कर देगी ये इंग्लिश स्कूले। तुम अम्मा का गुस्सा ठंडा करो, हम अभी आते हैं, चलो बेटा। नंबर 6 ईमानियत पर इन्नमल आमालु बिन्नियत तर्जमा अमाल का दारो मदानियतों पर है। हदीस नंबर 7 इबादत। मैमुना कभी तो अल्लाह नबी का जिक्र कर लिया कर, मेरी छोटी को देख रोज दिन याद का कुछ ना कुछ सबक याद करती रहती है। ओ ग्रैंडमा डोंट कॉल मी मैमुना, कॉल मी मॉमी मॉमी, अंडरस्टूड? चल हट यहां से, अच्छा भला नाम बिगाड़ के रख दिया है, फिजूल लोग बर्बाद कर रही है, मगरिब का वक्त हो रहा है, थोड़ी तिलावत कर ले फिर नमाज पढ़ लेना। मम्मी मम्मी अब क्या हुआ भाई? Tell your mother-in-law not to interfere in my matter, otherwise you will see what I will do with her. क्या कह रही है ये? ये कह रही है दादी से खड़े नहीं रह जा रहे हैं, इन्हें वजू खाने तक छोड़ाइए। कमाल है, अच्छी बात करती है फिर भी चिल्लाती है। आइए मैं आपको वजू खाने तक छोड़ाती हूँ। मैं छोड़ाऊंगी दादी को वजू खाने तक। हाफिज जी ने कहा था कल मैं पूछूंगा कि घर में कौन कौन से नेक काम किए। चलिए दादी। अल्लाह अच्छा रखे मेरी बच्ची को। दीदी गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आयशा की बच्ची रुक अभी तेरे को बताती हूँ। क्यों रे मम्मी, ये आयशा भी तो पूरी दादी बनते जा रहे हैं। मम्मी यू आर सो लकी, यू हैव टू ग्रैंडमदर। हे लिसन व्हाई डोंट वी गो इन माय होम, बिकॉज़ देयर इज नो ग्रैंडमा, वी कैन वॉच मूवी फ्रीली एंड डांस टू। ओके देन लेट्स गो देयर। मम्मी वी आर गोइंग टू टीनास होम। बाय। 11 बज गए हैं, मैमुना के अम्मी अब्बू बेचैनी से मैमुना का इंतजार कर रहे हैं, आयशा भी बहन के लिए फिक्रमंद है इसीलिए तस्बीह पढ़ रही है। हेलो मम्मी, बेटा कहाँ हो तुम? क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर ली? क्या कह रही हो, वो लड़का क्रिश्चियन है? तुमने हमारी आजादी देने का बहुत फायदा उठाया है, खबरदार आइंदा इस घर में कदम भी रखा तो।
आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। खुदा ना करे कोई मर तो नहीं गया। अम्मा काश कि कोई मर ही जाता मगर ये सब तो ना होता। बताता क्यों नहीं क्या हुआ? अम्मा हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मम्मी ने क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली है। अम्मा क्या ऐसा मत कहो बेटा, मेरा ये कमजोर दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। अम्मा दादी, अम्मा दादी, अम्मा दादी, दादी, अम्मा, क्या हुआ क्या हुआ दादी? दादी क्या हुआ क्या क्या हुआ? मैं मुजरिम हूँ आयशा।
बेटा मुझे क्या देख रहे हो? इब्रत हासिल करो मुझसे, वरना एक दिन मेरी तरह तुम्हारी भी इज्जत का जनाजा लेगा। दूर रखो अपने औलाद को घर से बाहर से, मत करो अपने औलाद की बेइज्जत तरफदारी, मत होने दो अपने मजहब को रुबा, मत होने दो अपने मजहब को रुबा, चल जाओ, मैं कहती हूँ चल जाओ, वरना मैं तुम्हारी बेइज्जत करूँगा, चल जाओ। इस्तकबाल करें दोस्तों इस पावर ट्रैक प्रोग्राम का।